हेलो एंड वेलकम टू फैंटिसिपीडिया एफ पी पॉडकास्ट मेरा नाम है रक्षित और मेरे साथ है मेरे प्रिय मित्र मनन हाँ भाई ऑल गुड ऑल गुड कांट वेट अन डेडलाइन काफ़ी शॉर्ट टर्न अराउंड है सो लेट्स गेट इनटू इट बिल्कुल बनन और ये एक बहुत पिबिटल वीक हमें लग रहा है बिकॉज कितने सारे प्लेयर्स कितने सारे ऑप्शंस कितने सारे एफपीएल मैनेजर्स के पास हैं अगर आप डिफेंस की बात करें मिडफील्ड की बात करें स्ट्राइकर ऑप्शंस की बात करें मनन देर आर सो मेनी ऑप्शंस और अगर आप फिक्सर स्विंग का टिकर देखें जो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया है यू कैन क्लियरली सी वाई कितने सारे गुड ऑप्शन सो मेनी टीम्स यार डेफिनेटली अगेन जैसे आपने फिक्सर स्विंग की बात करी लिवरपूल विला ब्राइटन आई थिंक आर द क्लियर टीम्स टू टारगेट अगेन अगर हम टीम स्पेसिफिक में बात करें तो लिवरपूल आई थिंक दे शुड बी ऑन एवरी वंस रेड आर सब आई थिंक सबको इन्हें ही टारगेट करना चाहिए प्लेयर्स इनसे ही बट द क्वेश्चन इज़ कि साला के अलावा और mm. कौन सा आई थिंक साला तो आई स्टिल फील साला इज द मस्ट हैव अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो अच्छे कैप्टेंसी ऑप्शन भी है एंड अगेन वो टाइम एंड अगेन ही ऑलवेज प्रूव हिमसेल्फ कि हमने क्यों इतना रिलायबल एफपीएल एसेट मानते आई थिंक मनन द टोटेनम मैच वाज द ओनली मैच जिसमें उन्होंने रिटर्न नहीं किया था और वो भी होना yeah. चाहिए था बिकॉज़ लुइस डियाज़ का जो डिसअलाउड oh, गोल yes. था उस पे साला का ही असिस्ट था सो हिज कंसिस्टेंसी इज लाइक एस्टोनिशिंग बिल्कुल एक्जेक्टली एंड दैट इज व्हाई वी लाइक मोर साला राइट वो कंसिस्टेंटली यू नो विद पेनल्टीज वो चिप इन करते रहते अगेन द द फैक्ट यू आर 90 मिनट प्लेयर है राइट आपने लास्ट मैच में भी देखा वो लास्ट किक पे उन्होंने ऑलमोस्ट लास्ट ही कुछ मिनट्स में गोल मारा अगेन राइट तभी इवन यस्टरडे ही स्कोर्ड लेट ऑन अगेंस्ट टू इन द यूरोपा लीग एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट इज व्हाई वी लाइक मोसाला एंड दैट इज व्हाई ही इज अ सॉलिड कैप्टेंसी कंटेंडर एज वेल बिल्कुल और अगर आप साला के अलावा बोले मैं तो मनन डार्विन नूनेस कंसीडर कर रहा हूं अपनी टीम के लिए आई थिंक ही हैज हैड हिज ब्रेक हमेशा जब साउथ अमेरिकन क्वालिफायर्स आते हैं उसके बाद डारबिन नूनेस को नॉर्मली नेक्स्ट मैच में स्टार्ट करने को नहीं मिलता है और अगर नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक के बाद देखें नहीं स्टार्ट करते हैं सो दैट्स फाइन विद मी बिकॉज इट्स मैन सिटी अवे तो बट अगर आप नेक्स्ट yeah. तीन फिक्सचर देखें मरन जिसमें आई एम एक्सपेक्टिंग कि ही विल स्टार्ट इन एटलीस्ट टू ऑफ देम स्पेशली द नेक्स्ट टू इज फॉरेस्ट एट होम लूटन अवे एंड ब्रिंटफर्ड एट होम इज़ ऑल्सो नॉट बैड सो आई थिंक वुड यू से सिमिकास नूनेस एंड साला आर द थ्री गो टू एफ पी एल एसेट्स फ्रॉम लिवरपूल

म फॉर्म की बात करें सो अगर आप नेक्स्ट तीन मैच देखें दो मैच लूट एन एट होम फोलोमी बट ऑल्सो नॉट बैड अफिक्सच स्पेशली फॉर टीम लाइक विला वॉटकिंस को इग्नोर करना तो मुश्किल है आई थिंक अगर आप वाइल्ड कार्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अगर आपका ट्रांसफर है नहीं है प्रायोरिटी होना चाहिए वॉटकिंस लाना है

ये एग्जैक्टली मतलब अगेन इफ यू अगर आपको चाहिए कि आप, देन attacker, right? hmm. I mean, जिसको आप कभी कभी जैसे लूटन एट होम फुलट होम वाले मैचेस में खिलाके आप अपने सेवंथ अटैकर के साथ रोटेट कर सकते हैं इस बेसिकली मैं बोलूंगा बट आई मुझे नहीं चाहिए कि वो एक आपकी टीम में प्राइमरी अटैकर हो बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है वो इतनी लो प्राइस पे है राइट अगर इफ इट ड

इतने अच्छे नहीं हैं एटलीस्ट टॉप फोर फाइव टीम्स में नहीं है बट टू होम मैच इन द नेक्स्ट थ्री आर शेफील्ड यूनाइटेड एंड बॉन्डली एंड दैट इज वाई पीपल आर गेटिंग बैक अटैकिंग एसेट सो साका के बारे में आई डोंट थिंक बनाना हमें बहुत बात बात करने की जरूरत है uh, आप फॉर एग्जांपल अपनी टीम में वापस ला रहे हैं साका को एंड अगर आप ला सकते हैं तो ही इज ऑब्वियसली अ ग्रेट ऑप्शन टू गेट बट अगर आप

वो थोड़े से प्रॉमिसिंग लगे अगेन सिटी के अगेंस्ट वो फोर्टी फाइव मिनट्स में तो उन्होंने बहुत ही कमाल किया था तो अगेन आई स्टिल फील इफ मुझे लाना है आई जस्ट अबाउट गो टूवर्ड्स मार्टिन अली एंड नॉट ओडेगार्ड बिकॉज आई थिंक ओडेगार्ड इज नॉट अगेन सो ओडेगार्ड के साथ प्रॉब्लम ये कि ही इज लैकिंग दैट क्रिएटिविटी वाली जो चीज थी ना जो वो लास्ट सीजन कर रहे थे ना वॉट इज डूइंग इज वो उनको जैसे ही मौका मिलता है इज बिंग सेल्फिश एंड टेकिंग शॉट राइट एंड दैट इज नॉट द ओडेगार्ड वी वॉन्ट टू ओन बिकॉज हम वो देखते थे उसके उनके असिस्ट एंड देन बाद में गोल्स आते थे इवन right? इफ आप उनके चांसेस क्रिएटेड देखेंगे उतने अच्छे नहीं है तो आई थिंक मार्टिन अली इज द वन आई थिंक असाइड साका जो मैं सोचूंगा आई थिंक आई वुड अग्री विद यू बिकॉज वोडेगार्ड वैसे भी अगर आप देखें गोल्सकोरिंग नंबर्स उनके मोस्टली अवे फ्राम होम थे ना मैटर करता है इतना नहीं करता है बट स्टिल एमरेट्स पे वोडेगार्ड नॉर्मली डजन स्कोर मेनी गोल्स और उनकी जो फॉर्म है दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड काफी सब्स्टिट्यूशनस भी उनके अर्ली हो रहे हैं मार्टिन का का ओब्वियसली कैवियट इज ट्रॉसार्ट अगर इस वीकेंड भी ट्रॉसार्ट स्टार्ट करते हैं वोट भी सरप्राइज बिकॉज मार्टिन अली टू इन रोज स्टार्ट कर चुके हैं

ना इंटरेस्टिंग थिंग उसमें हैपेंड कि जाओ पेड्रो एक्चुअली प्लेड एज अ क्लियर नंबर नाइन एंड उनके पीछे आंसू फाती प्लेड एज अ टेन बट वो हमेशा लेफ्ट पे ड्रिफ्ट कर रहे थे अगर आप एवरेज पोजिशन देखेंगे उनकी तो वो मिटोमा से ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहे थे जबकि राइट पे अडिंगरा थे वो क्लियरली राइट विंगर की तरह खेल रहे थे एंड स्टैंड आउट थे सो ग्रेट रन फॉर राइटन फुलहम एवरटन शेफील्ड नाटिंग फॉरेस्ट हमें पता है कि वैसे भी दे आर सो अटैकिंग उनके नंबर्स आर ऑलवेज गुड बट Assets-wise, who would you, how would you rank them, one, two, three, four types? Oh, that's that's a, that's quite difficult, I think. Um, like, I like, if tempted. Tha by uh, Evan Ferguson. Ah, I mean, he, 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 ha, he he has a good chance of starting, but problem you as with Pep, as with you know, uh, the Arsenal Arteta, the Arsenal manager, and deserve be.

बट आई स्टिल वुडन भी सरप्राइज कि अगर वो पास को राइट विंग खिला दे, राइट again. तो अगेन दैट दैट इज द इश्यू विद अडिंगरा एज योर सेवेंथ अटैकर कि थोड़ा सा इन अच्छे मैच में आपको रोटेशन मिल सकता है अडिंगरा मेरा सेकेंड प्रेफरेंस होंगे आफ्टो मिटोमा बिकॉज वन थिंग यू के नॉट सीन दिस ग्राफिक ब्राइटन के गेम विक फिफ्टीन के बाद फिक्सचर्स टर्न और चेल्सी के इम्प्रूव सो यू कैन मेक दैट साइडवेज मूव आप अडिंगरा हटा के कोल पार अपनी टीम में ला सकते हैं इन दैट एर्थ अटैकर्सपॉट ऑल्सो अगर आप स्ट्राइकर्स की बात करें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और एक और मुझे कंसर्निंग चीज़ लगती है मनन इज द ब्राइटन का भरोसा नहीं है अगेंस्ट दे विल डू गुड अगेंस्ट गुड टीम्स एंड कभी कभी ये जो फुलहम एवर्टन स्पेशली फुलहम एवर्टन जैसी टीम्स हैं उनके अगेंस्ट वो रैंडमली रिजल्ट uh, मतलब उनके फ्लक्चुएट कर सकते हैं जैसे लास्ट सीजन एवर्टन ने उनको आई थिंक फोर वन फाइव वन हरा दिया था कि फुलम yeah, मेरे हिसाब से डेफिनेटली डिफेंसिवली इंप्रूव हुई है आई थिंक यू वुड अग्री इवन अगेन स्पर्स आई थिंक दे वर नॉट बैड दो आई थिंक इंडिविजुअल एरर्स की वजह से दे कंसीडेड हाँ शेफील्ड यूनाइटेड एट होम इज द प्लम फिक्सचर बट उसके अलावा मैं बहुत ट्रस्ट नहीं करूँगा इस ब्राइटन टीम को सो दैट इज़ द ओनली कंसर्न

आर देर फिक्चर्स एक्चुअली दैट गुड मैं वही देख रहा था नेक्स्ट अगर आप बात करें कुछ फिक्चर्स की लेक्स लेट्स ए लुक एट द नेक्स्ट फोर फाइव एवर्टन एट होम डिस ब्रेंडफर्ड अवे ओके फॉरेस्ट एट होम ओके बर्नली अवे गुड क्रिस्टल पैलेस एट होम ओके आई डोंट थिंक बहुत ही स्टैंडर्ड फिक्चर्स है एंड आई डोंट सी दिस वेस्ट हेम टीम स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स और मरन कल वो हार गए थे यूरोपा लीग में तो उनका जो प्लेस एंड द नॉकआउट इज नॉट एज सिक्योर एंड आपको पता है कि यूरोपा में अगर आप फर्स्ट नहीं आते अपने ग्रुप में तो आपको एक एडिशनल प्ले ऑफ राउंड भी nice. खेलना पड़ता है तो आई थिंक वेस्ट हैम का ऑब्जेक्टिव होगा कि वो ग्रुप में फर्स्ट आए तो बोवन वर्सेज मेटोवा में आप किस तरफ साइड करेंगे आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एसेट आई आई लाइक बोवन बट अगेन जैसा आपने कहा फिक्सर्स ब्रीड फॉर्म राइट हम हमेशा यही कहते हैं कि जिस 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 प्लेयर के फिक्चर्स ज्यादा अच्छे हैं इवेंचुअली फॉर्म भी आई जाता है बिकॉज यू टेन टू सी कि हाँ वो उन फिक्सचर्स में ज़्यादा गोल स्कोर करेंगे एंड अगेन देर इज अ प्राइज डिफरेंस इज वेल बिटवीन मिटोमा एंड बोवन पॉइंट एट और मिलियन का तो फॉर दैट जस्ट अबाउट आई थिंक उसके हिसाब से आई जस्ट गो अबाउट मिटोमा बिकॉज आई स्टिल थिंक की इन चार नेक्स्ट फिक्सर्स में आई थिंक वील सी एट लीस्ट मिनिमम ऑफ टू और थ्री रिटर्न फ्राम मिटोमा आई थिंक अगर आप शॉर्ट टर्म चाह रहे हैं मे बी तो आई गो मिटोमा इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर लेक्स्ट सिक्स सेवन वीक्स

नाउ ये कंपेरिजन इसलिए कर रहा हूँ मरन बिकॉज काफ़ी लोग पीपल आर लुकिंग टू रिमूव सोन एंड गेट साका बिकॉज टॉटनेम के फिक्सचर्स आर टर्निंग आई थिंक पैलेस अवे आज रात को मैच है विच इज़ पैलेस अवे हमें पता है कितनी टिंजी हो सकती है स्पेशली अपने होम पे आई नो दे लॉस्ट अगेंस्ट द्रैश्ड बाई न्यू कासल बट सेंट जेम्जेज पार्क में स्ट्रेंज थिंग्स हैपन बट अपने होम पे दे आर नॉट अ टीम जो थ्रैश होती है आई नो टॉटनिम अ प्लेइंग वेल सोन का भी पता है कि ही संबंध जो uh, अगर आपको स्पेस मिलता है ही कैन डू वेल टी ब्लॉक्स लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट ऑन इतने इफेक्टिव नहीं है बट हिज फॉर्म इज रियली गुड स्पेशली जब वो मिडिल में खेल रहे हैं दूसरी तरफ यू हैव साका आर्सनल की हम बात कर चुके हैं उनके नंबर्स साका के पर्टिकुलरली आर गुड आर्सनल के ओवरऑल नॉट गुड बट नेक्स्ट फिक्सचर इज शेफी यूनाइटेड और उसके बाद बर्नली एट होम भी है द नेक्स्ट थ्री सो अगर आप आप ऑन ऑन करते हैं राइट नो आई डोंट डोंट यू इफ नो आई डोंट

इन दो टीम्स की भी कंसीडर देख रहा था डोंट कंसीडर लॉर्ड ऑफ चांसेस फ्रॉम सेंटर, राइट तो और टोटनम ऐसी टीम नहीं है हमने आ, वो जिसमें लास्ट एक विनिंग गोल स्कोर हुआ था फ्रॉम एन ओन गोल हमने उसमें भी देखा था कि वो फ्लैंग से इतने लीथल नहीं होते यू नो द क्रॉसिंग एंड राइट सॉन ड्राइव इन दो आई स्टिल फील क्रिस्टल पैलेस जलसी आर बेटर फॉर लाइक मेडिसन लाइक मेडिसन राइट मुझे बस एंड आई थिंक सबसे ज्यादा इन द मैं क्रॉसिडीडरे इन द फर्स्ट नाइन गेम देन अगेन दैट इज वाई आई वुड जस्ट प्रिफर आई थिंक आई नो सोन की फॉर्म बहुत अच्छी है फिक्चर्स क्रिस्टल पैलेस टेल सी इन पर्टिकुलर डूट फॉर्म सोन आई think अपसाइड साका का इस टू माई आई थिंक सोन विल डू वेल ही विल टेक अलॉन्ग बट अगर आपको स्पेशली अगर आपने वाइल्ड कार्ड नहीं किया है और आपके पास सोन है तो नेक्स्ट तीन के लिए तो आप साका ला ही सकते हैं बिकॉज दो वर्स्ट डिफेंसिज इन द लीग टू ऑफ द टू ऑफ द थ्री वर्स्ट आर वर्न लीग इन यूनाइटेड सो उनके साथ होम मैच एमरिट्स में चाहे चाहे जैसे भी अटैकिंग हासिल की इनके अगेंस्ट तो आई थिंक तीन गोल मिनिमम मार ही सकते हैं इंटरेस्टिंग मैंने यू मैंशनड अबाउट चांसेस कंसिडर्ड बाय शेफील्ड यूनाइटेड और उसी आई थिंक नेक्स्ट ग्राफिक पे आते हैं एंड दैट इज चांसेस कंसीड कहाँ से शेफील्ड करती है एंड प्रिटी मच एवरीवेयर बट स्पेशली फ्रॉम साकास फ्लैंक या स्पेशली फ्रॉम साकास 53 चांसेस फ्रॉम द लेफ्ट

साका हन, साका का बहु, बहुत है बहुत बहुत का लाइकली एंड इवन मार्टिनेली 51 फिफ्टी वन फ्रॉम द राइट सो आई थिंक साका दोनों स्टैंड आउट हैं फ्रॉम आई थिंक ग्रेट ऑप्शन एक और चांसेज कंसिडर्ड ग्राफिक पर चलते द बिग मैनचेस्टर डाबी यूनाइटेड सिटी के बीच में नाउ अ लॉर्ड ऑफ पीपल माइट नॉट है हालैंड और मे बी वॉटकिनस के बीच में आ जाएगा लुकिंग एट यूनाइटेड 31 वन चांसेज उन्होंने करी हैं थ्रू देंटर ट्वेंटी एट फ्राम द राइट थर्टी नाइन सिग्नीफिकेंटली उन्होंने अपने लेफ़्ट से बहुत करी है सो सर्विस डेफिनेटली हालेंड के लिए वहाँ से आ सकती है बट जन जनरली अगर आप इन टर्म्स ऑफ कैप्टनिंग हालेंड की बात करें अगे इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच कंसिडरिंग आपके पास साला और वॉटकिंस टाइप के ऑप्शन भी हैं तो वेर वुड यू गो फॉर योर कैप्टेंसी अगर आपका जैट से सॉन आपका जैसे साला भी है वॉटकिंस भी है और हारैंड भी है वोट यू से हैरी मेगोयर आई थिंक वरान इज बैक फॉर दिस वहाँ वो भी उतने टॉप फॉर्म में नहीं है आई थिंक अलॉन्ग साइड हैरी मेगोयर बट आई स्टिलो वी अगेन ही स्कोर्ड इन द चैंपियंस लीग एज वे टू गोल्स अगेन फॉर्म तो फिर भी अच्छी है इन द प्रीमियर लीग ऑल्सो स्कोर्ड इन द लास्ट मैच

because it's Harlan, but I think I think जो हमारे पास information अभी available है, I think उसके basis पे I'll rank Harlan third. Definitely Harlan के बारे में देखो एक दो चीजें हैं. Uh, एक तो Man City का attack is definitely not clicking. Uh, it is important to remember कि Gundogan team से जा चुके हैं, Mahrez team से जा चुके हैं, Kevin ने Bruyne injured हैं. और यही आई वुड से तीन प्लेयर्स थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा चांसेस क्रिएट करे थी फॉर समन समाइक हॉलैंड सो इट इज़ नो बिग सरप्राइज कि इतने इतने इंसेन अटैकिंग प्लेयर्स की एबसेंस में हॉलैंड थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल अभी स्टिल हैज द हाईस्ट एक्सजी इन द लीग तो इट्स नॉट लाइक उन्हें चांसेस नहीं मिले है यू स्टिल हैव फोर एंड यू स्टिल हैव आलवर एस जर्मी टोकू ने एक अदर न्यू डायमेंशन क्रिएट किया है इस मैन uh, सिटी टीम के लिए तो ही कैन हॉल इन एनी मैच बट ओवरऑल आई थिंक अगर आप देखेंगे मैन uh, सिटी के अटैकिंग नंबर्स हालैंड के नंबर्स थोड़े से डिप ज़रूर करें स्पेशली अगर आप लास्ट थ्री गेम विक्स की बात करेंगे हालैंड uh, जैसे मन आपको याद होगा स्टार्टिंग के पाँच छः गेम विक्स में ही वॉज मिसिंग बिग चांसेज बट गेटिंग बिग चांसेस लास्ट थ्री गेम बिक्स में उनको बहुत चांसेज भी नहीं मिली हैं स्कोर इट्स नॉट लेक ही इज मिसिंग देम बट हीज नॉट गॉट मनी चांसेस टू स्कोर आई स्टिल फील इज अ ग्रेट कप्टी ऑप्शन बट मुझे उनका सीलिंग का मुझे डाउट है एज कम्पेयर टू दी अदर ऑप्शन का वैसे भरोसा नहीं होता डार बीज में लास्ट सीजन भी आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने डिस्ट्रॉय हो सकती है बट मतलब पीपल विल रिमेंबर दैट सिक्स टू सिक्स थ्री मैच जो हुआ था हाल इंडोर्ड एनटरिक और आई थिंक फियर ओवरकम करना इज द मेन थिंग फियर ओवरकम करना बहुत yeah. जरूरी है अगर आप हालैंड को अपनी टीम में लेट्स से कैप्टन नहीं कर रहे हैं या फिर हटा रहे हैं या फिर एवरी थिंग एंड अगर बात करें मनन हालैंड को हटाने की सो आई हैव अ वाइल्ड कार्ड ड्राफ्ट फॉर यू एंड दैट इज अ नो हालैंड वाइल्ड कार्ड ड्राफ्ट अगर आप गेम वीक टेन में वाइल्ड uh, कार्ड करने का सोच रहे हैं अगर आपको अच्छा टीम बैलेंस चाहिए यू हैव सम इनसेन विदाउट हालैंड लुकिंग गुड राइट मनन दिस इज

प्रॉब्लम यह है कि देन यू हैव टू इफ यू वॉन्ट टू ओन हालेंड एंड द लाइक्स ऑफ साला सॉका सॉन देन यू लैव टू कॉम्प्रोमाइज इन कपल ऑफ पोजिशंस लाइक यू नो यू टू गो विथ योर एंड डिंग्राज एंड यू नो जस्ट कि आप सबको अकोमोडेट कर सकें अगेन ये ही आपको एक इक्वेजन आपको अपने माइंड में बनानी है कि इज हाल प्लस दोज टू प्लेयर्स आर गोन आउटस्कोर द थ्री गाइज जो आप हालेंड को हटा के करेंगे आई थिंक दैट इज द बेसिक डिसीजन आई नो इट्स नॉट ईजी बट यही एक डिसीजन है जो मैं कंटेम्पलेट मैं भी अपने टीम के लिए कर रहा हूं. Again, हमने इन सारे प्लेयर्स की बात करी मैंने एंड ऑल ऑफ आर एंड नॉट ओनली कि वो प्लेयर्स आपकी टीम में आ रहे हैं बट दे आर इन गुड फॉर्म एंड देयर फिक्चर्स आर वेरी गुड सो आई थिंक यू गेट अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म एंड फिक्सर्स अगर आप हार्लैंड को

Yeah, of course. That is the match जिसमें okay. he can go absolutely wild. He can go absolutely wild. Exactly, exactly. So again, that is the decision. I think you got to own aapko lena padega ye decision. Bilkul. If you want to have everyone, but yeah, you can't have everyone. <laughs> but you can't have everyone. चलिए अगर आप थोड़ा safer draft बनायें नन, and that is a with Holland draft. This is sort of what it looks like. Uh, would you still have Alvarez and Holland? अगर आप wildcard भी कर रहे हैं, because I I, I think uh,

या yeah, अगर आप अपनी टीम में डार्विन नूनेस क्वीज़ कर सकते हैं इफ़ पॉसिबल दैट इज़ समथिंग जो मैं बोलूँगा लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बोवन को रिमूव करके यू कैन गेट इन समवन लाइक अडिंगरा और मे बी यू कैन गेट सम चीपर ऑप्शन लाइक डगलस लूइज़ इन योर टीम फॉर एग्जांपल वहाँ से आप थोड़े फंड सेव करके अगर आप आलवरेस टू डारबिन नूनेस कर लें तो मुझे काफ़ी पसंद होगा अदरवाइज आप फाइव मैन मिडफील्ड के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं ऑफकोर्स यू कैन गो थ्री फाइव टू

I think yeah. that is also an option. But again, a lot of down downgrades required. If you have to fit Salah, Saka, Son, Haaland, three, four of them, fit them all. Absolutely. I think काफी fascinating है मरन कि क्या होने वाला है in the coming weeks. So, बहुत सारे players हैं, बहुत सारे options हैं. As we said, across midfield, forward line, defence. Uh, अगर let's say we don't know, obviously मरन कि लोगों की teams में कौन से player हैं और कौन से player नहीं हैं. But अगर आपको let's say दो transfers इस week suggest करने होंगे, top two priority. keeping in mind this week and the fixtures ahead आप कौन से वो दो ट्रांसफर recommend करेंगे? it will साला sala in that of course you can you can include any player bahut logo ki baat sala nahi hai okay okay side so se sala and watkins i think and the, my third would be saka because i i want to have him in the conversation but i think the priority should be and just because we we'll la ke do amazing fixtures hai I would go Saka one. You would agree? Uh, the You'd home fixtures one. are too good, too good. And उसके बाद I'd go Watkins. I think अगर आपके पास ये दोनों players नहीं हैं, I would recommend कि मेरे opinion में इन दोनों players को आप prioritize करिए, because with with Sala it obviously difficult to get uh, बहुत uh, अच्छी form में है but you can cover him by captaincy अगर आप Haaland को देनी है Watkins को देने for example uh, Nottingham Forest is not that easier fixture as well, right? They can frustrate teams, but uh, man, Luton at home, Sheffield United at home, man, it doesn't get better. I think Saka <laughs> is a great cap captaincy option Capitancy as well. Option. Again, when, while we talked about Salah, uh, Harland and Watkins, I think Saka is a perfectly fine. I think wo, unhone wo निगल bhi overcome kar लिया and he he is good for 90 minutes as well. I think uh, I think this game this game week में I think captaincy is the thing जो आपको आपका वो डिसाइड करेगी अ ग्रीन एरो और अ रेड एरो आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली व्हाट इज गोना बी डिपेंडेंट ऑन कैप्टेंसी एक चीज द गारंटी है मनन अनदर गेम वीक ऑफ ह्यूज स्विंग्स इसकी oh, तो पक्का गारंटी है अगेन आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एफपीएल सीजन की अगेन यू हैव टू रिमूव जैसे हम बात कर रहे हैं सॉन इज इन ग्रेट फॉर्म बट वी हैव टू रिमूव हिम फॉर साका एज वी बोथ रिकमेंडेड राइट द बेस्ट पार्ट इज वी हैव टू रिमूव गुड प्लेयर्स फॉर गुड प्लेयर्स आई थिंक आई थिंक दिस इज द दिस इज अ सीजन जहां पे

थैंक्स मनन मज़ा आया मुझे आई थिंक पता ही नहीं चला हाउ ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन मिनट स्पेंड बाय दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ गेम वीक इट इज़ एंड थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग एज वेल एंड हर हफ्ते ट्राई करेंगे एक या दो वीडियो करने का प्रिव्यू करने का बट अगर आपको पसंद आया मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट अपना प्रिव्यू एफ पी एल का अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए और अपने दोस्तों को बताइए कि रक्षित और मनन यहाँ पे करते हैं एफ पी एल फॉर फैंटेसी पीडिया फॉलो द फैंटेसी पीडिया ट्विटर हैंडल एज वेल इसका आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम वीक एंड यू टू मनन सी यू गैस नेक्स्ट वीक